वेलकम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और एक नया वीडियो। तो स्टार्टअप इंडिया ऑलरेडी जितने भी सारे बाहर एंड आल्सो इन्वेस्ट इंडिया जितने भी सारे बाहर कंट्री के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट दो चार कंट्री जो मेन मेन जो कंट्री है, जैसे कि आप ब्राजील पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो, नीदरलैंड पकड़ लो, न्यूजीलैंड पकड़ लो, तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज है बाहर का, मतलब बहुत सारे कंट्रीज है, पोलैंड भी है, देन आपका स्वीडन भी है, तो सारे सारे जितने सारे बड़े बड़े कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज से जितने भी सारे लोग इंडिया पे बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर इंडियन बिजनेस में अगर इन सारे सारे कंट्रीज में अगर आप जाके बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर सबसे मतलब एक वाइटल पॉइंट आता है कि इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट तरीके को कितना आसान बनाया जाए, कितना और भी रिलायबल बनाया जाए, तो इसके लिए हमारा स्टार्टअप इंडिया ने एक नया एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कॉल फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट मेन जो चीज है, मतलब जो हर एक बिजनेस के लिए मतलब इसका बैकबोन माना जाता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे सबसे मतलब जरूरी होता है पैसा। तो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात, तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को मद्दे मतलब बीच में रखते हुए तो ये डिसीजन लिया है कि ऐसा अगर कोई स्टार्टअप है या फिर ऐसा आपके पास कोई प्लान है, ये दिस इज ओपन टू ऑल, अगर आपके पास इसके लिए कोई सोल्यूशन है कि कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को और भी आसान और भी रिलायबल और भी फ्लेक्सिबल बनाया जाए, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ मिलके बैठ के उन लोगों का जो पॉलिसीज है उसके साथ कैसे मतलब मैचअप करा के कैसे और भी इसका और सिंप्लीफाइड किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ओपन चैलेंज ऑफर रखा है, एंड जिसमें अगर आपके अगर प्रोजेक्ट्स या फिर आपके आइडियाज या फिर आपके स्टार्टअप अगर इसमें खड़े उतर पाता है, तो फिर इसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ मिलके भी शायद काम करने के लिए कुछ मौका मिले। बट इस प्रोग्राम पे ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि क्या है कि क्या नहीं है, आपको मैं पूरे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक पे मैं दे दूंगा, वहां पे जाके आप एक थर्ड पार्टी का एक साइट है, उस साइट में जाके आप डायरेक्टली मतलब जो ये पूरे पूरे जो प्रोग्राम है जो इसको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के साइट में जाके डायरेक्टली सब कुछ पढ़ सकते हो, वहां पे जाके इन डिटेल्स में सब कुछ देख सकते हो। हालांकि मतलब मैंने जितने दूर तक देखा है यहाँ पे, तो बहुत सारा बाहर का कंट्री का बहुत सारा कंपनीज एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट इसके अंदर हालांकि मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो इसलिए मेरे को पता नहीं है कि फॉर्म के अंदर क्या क्या है या फिर क्या क्या चीज मांगे एक्चुअली। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर डायरेक्टली वहां पे नॉर्मल ऊपर में तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम ये चार मतलब मांग रहे हैं, ये हमारा डिमांड है, तो वो सारे के सारे डिमांड एंड वो जितने सारे क्वायरीज है वो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। बात बाकी रहा कि क्या क्या फैसिलिटीज है इस पे, तो इसके बारे में वहां पे वीडियो मतलब उस लिंक में या फिर उस वेब पेज में कुछ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा गया था, सिर्फ आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है वहां पे, तो जाइए करिए, एंड एप्लीकेशन का भी मतलब करने का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। बट इसके फैसिलिटीज क्या क्या है या फिर इस पे क्या क्या आपको चीज मिलने वाला है, ये तो मेरे को नहीं पता, और अगर आप अगर डायरेक्टली सारे सारे फॉर्म सबमिट करने के बाद या फिर फॉर्म के अंदर कहीं पे भी कुछ लिखा हो तो फिर आप वहां पे पढ़ के देख सकते हो, या फिर शायद आपको वहां पे मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम जो होता है वो कोई ना कोई मोटो लेके होता है, शायद आपको इन लोगों के साथ काम करने के लिए कुछ मौका मिल जाए या फिर अदर्स कुछ प्राइस मनी वगैरह या फिर कुछ प्राइस वगैरह अगर आपको कुछ मिल सकता है, तो आई डोंट नो अबाउट इट। सो प्लीज आप लोग जाइए इस लिंक पे एंड उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप लोग इन डिटेल में पता कर सकते हैं। बट हाँ, इतना तक मेरे को पता है कि पूरे के पूरे जो प्रोग्राम्स जो है वो हमारे इंडिया गवर्नमेंट पूरे के पूरे ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इसके अंदर गवर्नमेंट पूरे के पूरे इन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्वनेस है पूरे के पूरे जो प्रोग्राम जो हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, मेरे को बस इतना तक ही पता है। बट इसके डेप्थ में और भी क्या है ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं किया, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। तो जाइए आप लोग अप्लाई करिए, आप लोग इन डिटेल्स में सब कुछ पढ़िए, एंड अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली कमेंट करके मतलब मेरे को जरा मतलब बोल देना कि आप लोग अप्लाई कर चुके हो या नहीं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा लेके। चलिए दोस्तों, बाय।